उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के उरी सब डिवीजन के ननवाला क्षेत्र में बिजली संकट को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि सर्दियों की शुरुआत के बाद से उरी सब डिवीजन खासकर ननवाला क्षेत्र में बिजली की कमी और बिजली बिलों में बढ़ोतरी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली की आपूर्ति नहीं होने से सारा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एलजी प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर बारामूला से सब डिवीजन उरी में 20 घंटे बिजली देने और बिजली बिलों में की गई बढ़ोतरी को जल्द वापस लेने का अनुरोध किया है। कश्मीर से न्यूज टुडे राष्ट्रीय के लिए आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे बीच आए, तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पावर महकमा ये जो हमारे बीच रहता है, लाइन मैन हो, इंस्पेक्टर हूँ, जे ही हो, सबको बखूबी से पता है कि यहाँ 300 के बिलों के टाइम भी लोग पैसा मुहैया नहीं कर सके। मेरे नामला सी के अंदर आप जाकर देख सकते हैं, मैं आपको बिलें दिखाऊंगा, 1 से 1.5 लाख के नज़दीक लोगों के पास बिलें हैं। 300 पे जब 1-1 लाख लोगों के पास पड़ा है तो 1000 वो कहाँ प्रोवाइड कर सकेंगे। तो लिहाजा मेरी आपके माध्यम से पूरी एलजी इंतज़ामिया हो, डीसी इंतज़ामिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी एसडीएम उड़ी, तहसीलदार उड़ी से हम गुजारिश करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों को आप कमज़ोर मत समझिए। कमज़ोर हम उसी हद तक रहते हैं कि जिस हद तक हमारे गोश्त पर रहेगी, जब हड्डी पे आ गई तो हम किसी हद तक भी पार जाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा हमारी पहले यही गुजारिश रहेगी कि हमारी बिलों को कम करके 300, 400 या 500 पे लाया जाए। हमारा आज का प्रोटेस्ट इसका मुद्दा और मकसद एक ही है कि आप देखें कि पिछले 3 महीने में हमारी 3 बार बिजली बिलें जो है वो रिपीट हो गई है। उड़ी हमारी उड़ी के अंदर 2 पावर प्रोजेक्ट हैं। हमारे साथ ये होना चाहिए था कि हमें जो है बिजली फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर जुल्म ये, जख्मों पे नमक छिड़कने का काम ये हुआ कि हमें जो है पिछले 3 महीने में 3 बार बिजली बिलें जो है रिपीट हो गई हैं। आज लेटेस्ट बिल जो हमें आई है वो 1040 के हिसाब से आई है। आप खुद जानते हैं कि नामला के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं वो गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से, और 1040 किसी सूरत में एफर्ट नहीं करते। क्या भाई आप 1040 कर सकते हो? हमारा मकसद ये है कि आपके माध्यम से एसडीएम उड़ी जो लोगों का दर्द रखते हैं, लोगों का दुख और दर्द समझते हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारे डीसी साहब तक हमारी आवाज़ पहुंचे और हमारी गवर्नर इंतजामिया तक हमारी आवाज़ पहुंचे कि हमारी बिजली बिलें जो है माफ़ की जाएं, माफ़ नहीं की जाएंगे, सॉरी इंटरप्ट करूंगा, हमारी बिजली बिलों में जो है वो कटौती की जाए। हमें कम से ज़्यादा हमारी बिल जो है वो 500 होनी चाहिए। 500 से ज़्यादा हमारे नामला के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो 500 से ज़्यादा बिल अदा नहीं कर सकते। एक तरफ से गवर्नमेंट ये नारा लगा रही है कि भाई बिजली बिलें पे करो, एक तरफ से 1040 के हिसाब से भरती है, वो तो जमा होती जाएगी, वो कहाँ भरेंगे। इससे बेहतर ये नहीं होगा कि 500 के हिसाब से आए जो लोग, सारे लोग जो है वो भर सकें। साथ में एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो है बिजली हमें जो है वो एज़ पर शेड्यूल भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं मिल होती है। हमें 8 बजे फॉर एग्जांपल पावर आता है, 10 बजे जाना होता है, 8:20 पे चला जाता है, फिर 9:20 पे आता है, 9:40 पे चला जाता है, 9:50 पे आता है, अपनी मर्जी से लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कब आता है और कब जाता है। अगर बात करें नामला के अंदर, आप कहना चाहते हैं कि 1040 हमें मंजूर नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम 1040 नहीं भर सकते। अगर बिजली महकमा 1040 हमें भेजेगा तो उससे बेहतर है वो अपनी तारें उठाए, पोल उठाए और वापस ले जाए। हम 500 से ऊपर बिजली नहीं भर सकते, बिजली बिल मैसर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ गरीब लोग रहते हैं जिनका दिन का मजदूरी है 200 रुपया, वो कहाँ से 1000 रुपया बिजली का बिल भरेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बिलो पार्टी लाइन लोग रहते हैं जिन जो मैसर नहीं कर सकते। हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही गुजारिश करते हैं कि हमारी बिजली बिल वापस की जाए और 500 के हिसाब से।